Hey all right traders, my name is Archana Prakash and you're watching me on my YouTube channel. Traders, आप सबको मैंने वादा किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कॉम्प्रेहेंसिव वीडियो बनाने वाली हूँ और आई वुड रियली लाइक टू से कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक आपके कोई भी दूसरे क्वेश्चन बचेंगे फिबोनाची को लेके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हम कवर करेंगे कि फिबोनाची को अलग अलग एसेट क्लास मार्केट में कैसे काम करना है. अलग अलग एसेट मतलब कुछ लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिंपल सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट ट्रेड करते हैं, कुछ कुछ लोग सिर्फ स्टॉक्स मार्केट में कैश मार्केट में काम करते हैं. तो इसलिए हर एक एसेट में हम इसका कुछ ना कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो वीडियो का अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ लर्निंग इस वाले वीडियो में फॉर श्योर मिलने वाली है. ठीक है, अब देखो फिबोनाची के बारे में एक सेकंड के लिए थोड़ा जान लेते हैं. देखो फिबोनाची के जो नंबर्स होते हैं ना, दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2.3 मतलब 0.23 मतलब 23%, 38%, 50%, 61%, ये सारे के सारे ना फिबोनाची के नंबर सीरीज है. ठीक है, ये फिबोनाची के नंबर सीरीज है और ये नंबर सीरीज जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, पूरी दुनिया की अगर हर एक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, और पर्सपेक्टिव भी छोड़ो, खुद की अगर ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी देखो तो उस पूरी ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी में भी फिबोनाची के नंबर्स यूज होते हैं. समझ में आ रहा है? तो फिबोनाची नंबर सबसे पहले तो मैं आपको गूगल एक्सेल में ना एक सेकेंड में निकाल के दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे क्या है, 01. चलो इसको फिर से एक बार मैं निकाल के दिखाती हूँ आपके एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये लगाया मैंने 0, इसके नीचे आ गया है आपका 1. 0 और 1 कितना होता है, 1. ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, ये आपका 2. समझ में आया? तो ऊपर के नंबर को जो है हम बेसिकली एड ऑन करते जा रहे हैं. तो अब इसको हम फॉर्मूला में डाल देते हैं. इज इक्वल्स टू का साइन लिया मैंने, ये 2 लिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया उसके ऊपर के बॉक्स को, ये आ गया 3. तो अभी इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लिया मैंने. आगे देखो मज़ा आपको आएगा. 2 है यहाँ पे, मैंने इज इक्वल्स टू का साइन लगाया 2, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, मतलब नीचे के नंबर से. ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने अगेन यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लिया 2 लगाया, इसको अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ 5 से, क्या आ गया आपका 0.4. अगर मैं फिर से यहाँ पे इज इक्वल्स टू करती हूँ, 2 लगाती हूँ, फिर इसको डिवाइड करती हूँ और 8 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो 0.25 आ गया. देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. फिर उसके बाद में अगेन 2 आया, इसको अगर मैं फिर से डिवाइड कर देती हूँ 13 से, तो ये हो गए आपके कुछ नंबर. अब इन सारे के सारे नंबर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में. देखो माइंड ब्लोन होने वाला है आप सबका. यहाँ पे देखो एक सेकेंड, गलती हो गई. ये सबके तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे और इनको कन्वर्ट कर देंगे हम परसेंटेज में. समझ में आया परसेंटेज में क्यों क्या? आप देखो नीचे दिखाई दे रहा है कुछ, 23%, 38%, 61%, ये पहले तो बिल्टअप हुआ, फिर उसके बाद में इट कन्वर्टेड इनटू योर फिबोनाची नंबर्स. समझ में आए? तो इस तरीके से गूगल एक्सेल सीट में भी आप मेरे तरीके से फिबोनाची के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो. सिंपल समेशन और आगे चल के उसको डिवाइड करते चले जाना नीचे के नंबर से, और ये वाइस वर्सा आप नीचे से ऊपर भी कर सकते हो. अगर हम इसको ट्रेडिंग की दुनिया में बोले तो सिंपल देखो क्या है, आपको पता है कि मार्केट के अंदर दो ट्रेंड है, एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड. ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अब इसको हम समझना शुरू कर चुके, तो अब यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड, और उसके अलावा क्या होता है, मार्केट आपका चौपी चौपी सा रहता है. इसको क्या बोलेंगे अपन, कंसोलिडेशन वाला जोन या फिर एक्यूमुलेशन, जो भी कुछ आपको इसको कहना है. मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस एक डब्बे में है. तो ऐसे डब्बे में ना फिबोनाची का कोई काम नहीं. फिबोनाची यूज में आएगा जब अप ट्रेंड स्ट्रांग है, और फिबोनाची यूज में आएगा जब डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है. अब हम बात करने वाले हैं फिबोनाची को अप ट्रेंड में किस तरीके से काम करना है और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से काम करना है. अब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा ना वो थोड़ा बहुत थकेगा, मतलब गिरेगा, और गिरने के बाद वो फिर से स्ट्रांगली एक कंटिन्यूएशन दिखाएगा, फिर थोड़ा बहुत गिरेगा और फिर उसके बाद में अगेन थोड़ा कंटिन्यूएशन दिखाएगा. क्योंकि आप सबको पता है जब भी मार्केट अपट्रेंड में होती है ऐसा सीधा कभी ऊपर नहीं जाती, कभी भी नहीं ऐसा अपट्रेंड में मार्केट जाता. ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे के बाद में ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा. देखो रिट्रेसमेंट को आप थोड़ा सा पुल बैक या फिर करेक्शन भी कह सकते हो. ठीक है ना, जिसको करेक्शन पुल बैक पता है, रिट्रेसमेंट वर्ड का मतलब नहीं समझता है, तो सिंपल है, ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा गिरना और गिरने के बाद में फिर से रिवर्सल लेके एक नया स्विंग क्रिएट करके ऊपर चला जाना. समझ में आया? तो ये बेसिकली चलता है रिट्रेसमेंट का काम. अब देखो जो स्ट्रांग है वही ऊपर जाएगा, और वो स्ट्रांग होगा तो वो थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद फिर से अप ट्रेंड की जर्नी अपने शुरू करेगा, फिर थोड़ा बहुत गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा. तो ये अभी तक का आप समझ गए. तो देखो बॉटम से टॉप फिबोनाची लगेगा आपका अप ट्रेंड में. अब बॉटम से ही टॉप क्यों लगाना है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जब भी भाव बढ़ता है तो वो बॉटम से बढ़ता है. ठीक है ना, बॉटम से भाव ऊपर जाते हैं, इसीलिए उसको बॉटम से टॉप लगाना है. और जब भी डाउन ट्रेंड में हम बात करें तो भाव हमेशा ना टॉप से नीचे गिरते, इसीलिए वहाँ पे आपको टॉप से बॉटम फिबोनाची लगानी होती है. समझ में आया यहाँ तक? एकदम सिंपल सी भाषा में मैं समझा रही हूँ. अब देखो यहाँ पे बॉटम से टॉप फिबोनाची लगाया है मैंने. एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, कि यहाँ पे देखो ये था आपका बॉटम और ये आपका टॉप.
और जब यहाँ पे पहुंचा ना, पीछे ऐसा इमेजिन करो कि एक क्या है ना आपका, एक सप्लाई जोन था, एक ऐसा एरिया जहाँ से प्रीवियसली मार्केट में प्राइस फॉल हुआ था, ठीक है, ऐसा मतलब प्राइस गिरा था। तो ये वाले एरिया में जाने के बाद में हुआ क्या ना, मार्केट में यहाँ से अगेन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद में यहाँ से मार्केट गिरने लगी। लेकिन ये तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट गिरेगी, लेकिन गिरने के बाद वो कहाँ से फिर से उठने वाली है, तो वो होता है आपका रिट्रेसमेंट। समझ में आया? तो अगर रिट्रेसमेंट ऐसी थोड़ी सी है, मतलब छोटी सी है, लेट्स से 23% तक आ गई, तो 23 से अगर वो फिर से कैरी ऑन करते हैं अपनी कंडीशन को, मतलब अगर ये यहाँ से छोटा सा रिवर्सल देके अगेन ऊपर चलता है, मतलब कंटिन्यूशन देता है, तो ये हो गया आपका सुपर बुलिश लेवल ऑफ व्यू बना चाहिए। समझ में आया? सुपर बुलिश लेवल होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ऐसा नीचे गिर के आता है 38% के लेवल के, और फिर यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट देता है ऊपर के लेवल पे, तो ये क्या हो गया आपका बुलिश लेवल हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है और रिट्रेस करता है 50% से अगर ऊपर निकलता है, तो ये क्या हो गया आपका हेल्दी रिट्रेसमेंट। क्या हो गया आपका हेल्दी रिट्रेसमेंट HRA को। फिर उसके बाद में लेट से 50 को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, 50 से भी नीचे आ गया, 61 से अगर वो ऊपर जा रहा है, तो टेडर्स ऑलवेज कीप इन माइंड दिस रेशो इज नोन एज गोल्डन रेशो। क्या कहते हैं इसको? गोल्डन रेशो। क्यों ऐसा गोल्डन के रेशो या फिर इसको मेक और ब्रेक लेवल कहेंगे? क्योंकि देखो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से एक तो ट्रेंड आपका कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, या फिर जो आपका मेन ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक तो ये जो मेन ट्रेंड चल रही थी, एक तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, या फिर ये यहाँ से सीधा गिर के ये आपका पूरा अप ट्रेंड निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहानी होती है 61 के लेवल की। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करते हो तो वहाँ पे 61% का जो गोल्डन रेशो होता है ना, बहुत ही इफेक्टिवली आपको यूज़ होते हुए दिखेगा, और काफ़ी मल्टीपल ट्रेड्स आप वहाँ पे इस रेशो को देख के ले सकते हैं। इवन अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करते हो जो कि 61 के नंबर के आसपास है, तो वहाँ पे आपको 101% बहुत कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हुई दिखाई देगी जो कि आप आपके ट्रेडिंग में सच में कैपिटलाइज ज़रूर कर सकते हो। समझ में आया? फिबोनाची बेसिकली क्या है? अगर कोई ट्रेंड स्ट्रांग है तो वह नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद में वो उठेगा, लेकिन कहाँ से उठेगा ये बताने का काम हमको ये रिट्रेसमेंट के नंबर्स करते, और इसीलिए इस ट्रेडिंग टूल को कहा जाता है फिबोनाची के नंबर। अब हम इसको यूज़ करते हैं डाउन ट्रेंड में। कैसे लगाएंगे? टॉप से बॉटम लगेंगे। टॉप से बॉटम कैसे? क्यों टॉप से बॉटम है? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, टॉप से ही तो मार्केट की प्राइस फॉल होती है ना डियर, तो इसीलिए डाउन ट्रेंड में जब भी आप इसको लगाओगे तो इसको लगाना पड़ेगा टॉप से बॉटम, ठीक है। वही था, टॉप से उसको बॉटम लगाया, लेट से यहाँ तक गिरा। अब गिरने के बाद ये पकड़ लो कि यहाँ पे पीछे क्या था आपका, कोई भी पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड लेवल था। डिमांड मतलब ऐसा एरिया जहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, ठीक है, तो ऐसा डिमांड एरिया तक पहुँचा, तो जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो डाउनफॉल था ना आपको, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक होने की वजह से क्या होगा, जो आपके रेड कैंडल्स है वो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में फिर यहाँ से ग्रीन बनना शुरू होंगी, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। लेकिन ये तो डाउन ट्रेंड था ना, और अगर इसको सच में कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कहाँ से करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये 23 के लेवल से अगर रिट्रेस करके नीचे आता है, तो ये क्या हो गया का सुपर बेयरिश लेवल हो गया। क्या हो गया? सुपर बेयरिश लेवल। मतलब ये इतना बेयरिश है कि ये थोड़ा आया नीचे, मतलब ये नीचे आया है, थोड़ा ही रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद में नीचे गिर गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा और डीप गया और डीप जाने के बाद में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ये और डीप जाए, 50% तक जाए और फिर ये यहाँ से नीचे आए, या फिर ये 61% तक जाए और ये 61 से नीचे आए। समझ में आए? तो ये कितना डीप रिट्रेस करेगा और कौन से डीप और कौन से रिट्रेसमेंट से हमको ये फिर से ट्रेड कंटिन्यूशन दे सकता है, ऐसे लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमको एक टूल यूज़ करना होता है जिसका ही ये नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। समझ में आया? ये हो गया आपका फिबोनाची। तो डाउन ट्रेंड में लगाना कैसे है और अप ट्रेंड में लगाना कैसे है, ये तो अभी चलो समझ में आ गया। चलो फिर चलते हैं अपने एग्जांपल्स के ऊपर और इसको यूज़ करके ट्रेड्स फाइंड आउट कैसे करने होते हैं। तो देखो मैं कुछ कुछ आपके लिए ना एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो स्टॉक वाले, ठीक है, इसको स्टॉक में कैसे यूज़ करना है। तो अपने जो चार्ट ओपन करके रखा है वो कौन सा है? रिलायंस का, ठीक है। अब देखो रिलायंस के अंदर मैं सिंपल सी बात बताने की कोशिश करती हूँ। फिबोनाची की सेटिंग में बता दूंगी आपको, डोंट वरी। इसको हटा दिया। अब देखो ये क्या है, रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ से तेज़ी कहाँ पे आई थी, मतलब अगर मुझे इसकी रिट्रेसमेंट चेक करनी होगी और मुझे फिर से बाइंग का ट्रेड लेना है, तो मैं क्या हो गया डेली टाइम फ्रेम पे आ गई। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम से दिखा रही हूँ, मतलब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। समझ में आया? ये था इसका बॉटम और ये था इसका टॉप। समझ में आया? ये क्या है इसका बॉटम, यहाँ से तेज़ी हुई और यहाँ से ये थोड़ा बहुत फॉल किया नीचे, ये लगा है आपका बॉटम से टॉप तक फिबोनाची, ठीक है। ये क्या है आपका बॉटम, ये आपका टॉप। अब देखो थोड़ा ध्यान से इसको, पीछे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड आया था मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी देखो मार्केट ने इसको ये सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद में इसको अगेन थोड़ा अच्छे से ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद में ऊपर गया था,
तो फिबोनाची के नंबर्स देखो, पहली बार जब आया तो 23 को रिस्पेक्ट किया, 23 से यहाँ से ऊपर गया, मतलब अगर इस वाले लेवल पे आपको ट्रेड मिलता तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप अच्छा ट्रेड पंच कर सकते थे फॉर बाय साइड। फिर अगेन क्या हुआ, ये वाला जो डिमांड सॉरी ये वाला जो सप्लाई एरिया था इसका है, सप्लाई में से फिर से अगेन मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिरा और फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, ये वाला सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में यू कैन सी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में देखो फिर से यही वाले सप्लाई जोन को अगेन रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद में अगेन नीचे चला गया। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो न्यूज़ वगैरह भी थी, आपको भी पता है ये वाला जो कैंडल है 4 जून वाला, ये क्यों बना है और कैसे बना, बीजेपी की सरकार अभी गठबंधन में बनी है तो ठीक है, 4 जून की न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मूड माहौल निगेटिव था तो ये एक रेड कैंडल बनी थी। दूसरी चीज़ एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, चाहे अपन फिबोनाची बढ़े या फिर कुछ भी न्यूज़ की बात निकली है, अगर कोई सेंटिमेंटल न्यूज़ हो और वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो तो देखो मार्केट के अंदर कोई भी सपोर्ट फिर स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, और अगर मार्केट चाहे कितना भी कुछ हो जाए लेकिन न्यूज़ अगर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है तो कोई आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, वो उसको छेदते हुए आगे चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर समझो इस चीज़ को, फिर से बोल रही हूँ, अगर सेंटिमेंट वाइज कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा बुरी है तो कोई भी सपोर्ट आपके लिए स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, वो नीचे 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 आता चला जाएगा, और अगर न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इन वेरी बुलिश और सुपर बुलिश मार्केट नो रेजिस्टेंस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड इन सुपर बियरिश मार्केट नो सपोर्ट एक्ट एज अ स्ट्रांग सपोर्ट, समझ में आ गया। तो इस चीज़ को गांठ बिठा के रखना, तो जब प्राइस एक्शन अच्छे से प्योरली काम करता है तो फिबोनाची के नंबर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से काम करते हुए दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर भी देखो 38 का जो है टप्पा गा के मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, अगेन ये वाले अपने डिमांड जोन के अंदर एंट्री किया और डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करके ऊपर गया, समझ में आ रहा है। तो कहने का सिंपल मतलब ये है, बॉटम से टॉप ऊपर जाने के बाद में इसने सपोर्ट कहाँ से लिया, 23% से। नेक्स्ट टाइम अगर देखोगे 38% से यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल, तो लेकिन इसमें ट्रेड लेना कैसे है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड लेना कैसे, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होगे आप, ये डेली टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब ये जो अपना सप्लाई एरिया था सप्लाई एरिया से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये इसको हमें लेके आती हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे लेके आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है टेरेस आपको, अभी इस वाली फिबोनाची का काम खत्म हो गया, आपको पता चल गया है कि ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपट्रेंड में, वो भी स्ट्रांग अपट्रेंड में। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिखाई दे रही है स्विंग, तो मैंने क्या किया बॉटम लिया और बॉटम से इसको टॉप पकड़ लिया। तो अगर मुझे रिलायंस में फिर से ट्रेड चाहिए बाई साइड की, ऑलरेडी तो रैली निकल चुकी है, ये वाला ब्रेकआउट तो आ चुका है, अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगी, वेट करूँगी। वेट किस बात का, इसका गिरने का, क्या ये 23% के पे गिरेगा, क्या ये 38 तक गिरेगा, क्या ये 50 तक गिरेगा या फिर 61 तक गिरेगा, वो चाहे जितना भी गिरे लेकिन गिरने के बाद में मुझे एक ऐसा कोई तो सपोर्ट मिलेगा जहाँ पे मुझे ऐसे बुलिश रिवर्सल के साइन मिलेंगे। बुलिश रिवर्सल साइन कैसे होते हैं, जैसे कि सपोर्ट पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बन गया, सपोर्ट पे आपका यहाँ पे दिखा रहे दे रहा है कि आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, या फिर लेट से ऐसा एंगल बन गया, जो एंगल का जनरली ऐसा ब्रेकआउट आता है ना, ऐसा एंगल बन गया, तो ये हो जाएगा आपके ऐसे सपोर्ट लेवल जिसके रिट्रेसमेंट से मार्केट एक तो रिवर्स कर सकती है, समझ में आ गया। तो ये आपको अप ट्रेंड में इस तरीके से यूज़ करनी होती है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल, और वही सेम गोज भी थी, और अदरवाइज अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड में कैसे यूज़ करना है वो तो आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ। चलो यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल तो मिल ही जाएगी हमको, एक सेकेंड ये पूरा का पूरा हटा देते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये हटा दिया। मैं आगे चल के फिबोनाची प्लस सुपर ट्रेंड प्लस प्राइस एक्शन के ऐसी दमदार स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप किसी भी मार्केट के अंदर अनबीटेबल बन सकते हो, ठीक है ना। फिबोनाची को हम इतना बेहतर तरीके से आगे चल के सीखने वाले हैं। डाउन ट्रेंड, चलो ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये लगाया मैंने टॉप, ये लगाया मैंने बॉटम, देखो अभी सिंपल से समझो इस चीज़ को, ये था आपका रिलायंस का टॉप, ये था, ध्यान से देखो अपन ये 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर ऐसे नीचे गिर रही है तो आपने देखना है कि ये गिर रही है, ठीक है, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस लेके ये फिर से नीचे गिर सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमसे ट्रेंड छूट चुकी होती है, तो छूटी हुई ट्रेंड में फिर से अगर हमको एंटर लेनी तो आगे के स्टेशन पे लेनी पड़ेगी, तो आगे के स्टेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये था आपका डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर के बाद में फिर ये नीचे कंटिन्यू किया। अब इसको फिबोनाची में कैसे देखेंगे, ये रहा आपका टॉप, क्यों टॉप से, क्योंकि आपका मार्केट जब भी गिरता है टॉप से गिरता है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका टॉप, टॉप टू बॉटम कितना लिया रिट्रेसमेंट, 38% का रिट्रेसमेंट लिया टॉप से बॉटम, फिबोनाची लगा है यहाँ पे 38% आया, 38% पे थोड़ा सा निगाह है आपकी, गौर से देखिए ट्रेडर्स क्या हुआ है यहाँ पे, जो मैं आपको कह रही हूँ ना मल्टीपल कन्फर्मेशन, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बना है, जिसके ब्रेकडाउन पे आप यहाँ से लेके तो यहाँ तक का एक अच्छा खासा ट्रेड पंच कर सकते थे,
समझ में आ रहा है मल्टी कन्फर्मेशन कैसे ऐड करने होते हैं आपके टेट के अंदर। देखो वीडियो एक है लेकिन एक वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ यहाँ पे। तो आई होप आप सबका जो पैर है इस वाली वीडियो को मिलेगा और काफ़ी अच्छे से इस वाली वीडियो को आप एंड तक देखोगे, ठीक है। तो अप टेंड हो गया, डाउन टेंड हो गया, तो इस तरीके से जनरली आपको फिबोनाची यूज़ करनी होती है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे एसेट मार्केट में भी यूज़ करके देखते हैं क्या सच में ये वाली जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ अदरवाइज मार्केट में भी काम करती है। तो रिलायंस हो गया ना, हम इसको गोल्ड के चार्ट पे देखते हैं। ओके, तो ये रहा आपका गोल्ड का चार्ट। ये गोल्ड पे मैंने कुछ एनालिसिस करके रखे है, बाय द वे एनालिसिस की वीडियो थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगी, डोंट वरी। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी में था। तेज़ी में जाने के बाद में गोल्ड का जो मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर चुका है। तो अभी कितना रिट्रेसमेंट किया और कहाँ पे मुझे अगेन बाइंग के मौके मिलेंगे, तो ये रही मेरी बॉटम से टॉप। ये तेज़ी का पूरा मैंने ये पूरा का पूरा बॉटम से टॉप इसको स्विंग पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में देखो ये गया कहाँ पे, ये 38 का रिट्रेसमेंट पे है ट्रेडर्स। मतलब ये 38 के रिट्रेसमेंट से बार बार जो है ना बाइंग के मौके दे रहा है। यहाँ पे गिरा, यहाँ पे अगेन बाइंग आ गई, फिर यहाँ पे आया था, फिर अगेन यहाँ पे बाइंग आ गई, फिर नीचे आया था, फिर अगेन बाइंग आ गई। मतलब अगर हम गोल्ड को देखें हायर टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव से, पता चल गया अभी आपको हायर टाइम परस्पेक्टिव से ये क्या है, बुलिश हो चुका है। क्या हो चुका है? बुलिश। तो अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड लाइन आपको, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल मिलता है मुझे तो फिर मेरे लिए क्या बन जाएंगे टारगेट। देखो टारगेट सिंपल निकालने में बहुत सिंपल है यार। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो देखो प्रीवियसली ये क्या है आपका एक छोटा सा सप्लाई एरिया दिखाई दे रही है, रेड लाइन ये सप्लाई एरिया हो गया आपके लिए। ये ऊपर देख रही है रेड कैंडल, यहाँ से मार्केट गिरी थी, तो अगेन यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ एक हो गया प्रॉफिट बुकिंग। अगर ये वाला लेवल का भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इससे भी ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देखो बहुत ही सिंपल होते हैं ये कॉन्सेप्ट, इतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसको मैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलूं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मुझे बाइंग सेलिंग करना है तो क्या, अगेन वही रहेगा, ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट देने दो। यहाँ से अगर वो फिर से गिरता है तो मुझे गिरने की मतलब फिर से अगर ट्रेडिंग करनी है मुझे सेलिंग साइड पे, तो सेलिंग साइड मुझे कहाँ पे ट्रेड मिलेगा, इसको जाने दो ऊपर, ऊपर से जब भी नीचे आएगा तो अगेन मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड पंच करूँगी। समझ में आया? तो अब चलो ये तो हो गया गोल्ड का एग्जांपल, अब हम इसको बिटकॉइन के चार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। बिटकॉइन के अपन बिटकॉइन चलो फ्यूचर का ही चार्ट देख लेंगे, कोई नहीं, ये बिटकॉइन फ्यूचर का चार्ट है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आती हूँ। हायर टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि अच्छा व्यू मिलता है। तो देखो बिटकॉइन में तेज़ी कहाँ से आई थी, ये रहा आपका बॉटम, ठीक है। तो ये लगाया मैंने बॉटम और ये बॉटम का ये टॉप था, ठीक है, फिर ये बॉटम टू टॉप। अब देखो यहाँ पे 38% के आसपास का इसने क्या लगाया है, एक डीप रिट्रेसमेंट। आप बोलोगे मैम यहाँ से क्यों लिया, यहाँ से भी लगा सकते थे, तो हाँ यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे आपके मैक्सिमम टचेस ज्वाइन हो रहे हैं ना आपने वो वाला स्विंग देखना ही लगा के। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लगा रही हूँ 38 की लेवल टच हो रही है, यहाँ पे अगर मैं लगा रही थी तो नहीं हो पा रहा था। अगर मैं इसको इस वाले स्विंग तक लगा के देखूँ तो देखो ये बॉटम से अगर मैं ये टॉप पकड़ती हूँ तो देखो रिट्रेसमेंट 38% का था, और अगर मैं ये वाला टॉप लगाती हूँ और बॉटम इस वाले केस में मगर इस वाले ये वाले डिमांड जोन से अगर मैं इसको पकड़ती हूँ तो सिंपल है, यहाँ से ऊपर गया था, फिर 50% के रिट्रेसमेंट पे आया, 50% पे यहाँ पे दिखा दे रहा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। देखो कितना शानदार तरीके से मार्केट काम कर दी यहाँ पे फिबोनाची, 50% का लेवल था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना, यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया, और यहाँ पे देखो प्रीवियस जो एक सप्लाई जोन था ये सप्लाई जोन के एरिया में मार्केट गई और यहीं से फॉल डाउन कर गई, ठीक है। ईजी है मार्केट के अंदर ट्रेड करना। देखो ये मैंने बैक टेस्टेड आपको चीज़ें दिखाई, मैंने आपको स्टॉक भी दिखाया, मैंने आपको गोल्ड भी दिखाया, मैंने आपको ये बिटकॉइन भी दिखा दिया। तो डियर फिबोनाची एक ऐसा सच में उम्दा टूल है जिसका अगर आप ढंग से यूज़ करना सीख गए ना तो आई डोंट थिंक मार्केट में फिर आपको कुछ और चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्राइस एक्शन इज़ योर सुप्रीम। प्राइस आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। तो रिकैप करते फटाफट से वीडियो को, हमने ये वीडियो में क्या क्या समझने की कोशिश की। एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिबोनाची, ये दोनों ही ट्रेंड में काम कर सकता है। जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है तो वो थोड़ा गिरेगा और थोड़ा गिरने के बाद में ऊपर उठेगा, लेकिन वो कहाँ से ऊपर उठेगा ये लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वीडियो खत्म हुई नहीं है, फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन के बारे में भी अभी समझना है अपने को, ठीक है। एक्सटेंशन वो होता है, फिबोनाची है वो, लेकिन फ्यूचर में मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं ना ये प्रोजेक्शन अगर हमको देखना है तो फ्यूचर के प्रोजेक्शन के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है, तो वो भी देखेंगे। इसकी सेटिंग भी बतानी है आपको मुझे, दोनों भी चीज़ें, तो वेट कर 2 मिनट के लिए।
तो इतना हमने अभी तक के लिए समझा कि जो बॉटम से टॉप फिबोनाची लगेगा तो वो हो जाएगा अपट्रेंड आपका, और अपट्रेंड में कौन सा सपोर्ट से मार्केट रिवर्स करेगी वो हो गया आपका फिबोनाची के सपोर्ट के रिट्रेसमेंट लेवल। अगर टॉप से बॉटम लगाते हो तो टॉप से बॉटम के केस में क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि इसको मैं अगर रिवर्स कर दूंगी, टॉप से बॉटम मार्केट टॉप से बॉटम गिरी फिर ये हो गया आपका 38%। 38 से तो गिर सकता है, 38 से गिर सकता है, 50 से गिर सकता है, 61 से गिर सकता है। 50 का लेवल क्या है आपका, गोल्डन ईएमए रेशो कहा जाता है इसको। क्यों बोला जाता है क्योंकि चांसेस देखो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं इसके। फिर से एक बार देख लो, ये अगर 61 के आसपास जाके फिर से अगर कोई रिवर्सल साइन देता है ना, तो समझ लो ट्रेडर्स यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। छोटा सा एसएल प्लान करना होता है और इतना बड़ा टारगेट आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो फिबोनाची के 61 के जो लेवल पे ट्रेड मिलते हैं ना, कभी छोड़ना मत, बहुत अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो हर एक एसेट क्लास में मैंने आपको इसको यूज़ करना सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। अब अपन देख लेते हैं इसको ट्रेंड बेस एक्सटेंशन में कैसा यूज़ करना होता है। अब देखो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन सिंपल क्या है, फ्यूचर में मार्केट कहाँ तक जा सकती है अगर आपको ये पता करना है, ठीक है ना। एक ऐसा एरिया जहाँ पे अब मार्केट अनचार्टेड जोन में जा चुकी है, ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे पीछे के डिमांड जोन, पीछे के सप्लाई जोन बचे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये हाई जब बने थे तो पीछे क्या था, कुछ भी तो हिस्ट्री नहीं थी ना, तो यहाँ तक हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेंड बेस एक्सटेंशन यूज़ कर सकते थे। अब देखो ये मैंने क्या किया, फिबोनाची के अंदर ही जाना है आपको, नीचे देख लो फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। तो ये मैंने अगेन बॉटम पकड़ा, ये मैंने टॉप पकड़ा, और जहाँ तक रिट्रेसमेंट किया था मार्केट ने, दिखाई दे रहा है जहाँ तक रिट्रेस किया था, ये रिट्रेसमेंट के नंबर्स को यहाँ तक अपने क्या करना है, ऐसा फैला लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ तक की रिट्रेसमेंट आई, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बॉटम से टॉप लगाया यहाँ पे मैंने इसको रिट्रेस किया, मतलब यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई थी। तो अगर ये यहाँ से उठता है, ठीक है ना, यहाँ से अगर ये अगेन उठता है तो मार्केट के अंदर जो ऊपर के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना टेरेस, ये रहेंगे आपके आने वाले फ्यूचर के, क्या आने वाले फ्यूचर के टारगेट। ये समझ में आ रहा है, फिबोनाची काफ़ी अच्छे से मार्केट में यूज़ होता है, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं समझा होगा फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देखो वीडियो, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, समझ में आएगा एक्सटेंशन कैसे यूज़ करना है और फिबोनाची कैसे यूज़ करना है। तो आई थिंक आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा, व्हाट इज़ फिबोनाची, किस तरीके से काम करता है, क्या है इसके नेचुरल नंबर, इवन एक्सेल शीट में ड्रॉ करने कैसे होते हैं। तो अगर कुछ भी लर्निंग मिली होगी तो आप इस वाली वीडियो को लाइक कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या फिर ऑप्शन ट्रेड या फिर आप मुझसे फॉरेक्स सीखना चाहते होगे, तो आपके यहाँ पे देखो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश करें 9359 का, इस वाले नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस। अब देखो लाइव क्लासेस लगाने का फ़ायदा क्या होता है ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह किसी के भी खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने पर होता क्या है ना, आप उस ट्यूटर से बात नहीं कर पाते जिसने वो लेक्चर बनाए थे। आपके अगर जेन्युइन कोई क्वेश्चन होंगे या फिर आपको कोई क्वेरी है लाइव मार्केट के अंदर, आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो जनरली आपको नहीं दे पाएंगे। तो इनिशियल फेज में मैंने जो है ये सारे के सारे जो क्लासेस है लाइव रखी है, तो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन इन माय क्लासेस तो आप आ सकते हो, एडमिशंस ओपन है। 935 नंबर के नंबर पे आपको कॉल करना है, फिर व्हाट्सएप करना है, और आपकी जो भी कुछ क्वेरी मेरे साथ में शेयर करिए, आपकी एडमिशन हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट, एंड इस वीडियो को अगर सच में पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर कर सकते हो, एंड इस वाली वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।